हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया एचएमईएम। आपका हमारे चैनल में पुनः स्वागत है और मैं आपको अवकलन का जितना प्रकार था वह सारा सिखा चुका हूँ। अंतिम जो प्रकार है उसमें रह गया किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। जैसे बेटा आपने जितने प्रकार थे, आपका फर्स्ट सेकेंड हो, आंसर हो, लॉगरिथम मेथड हो, पैरामेट्रिक फंक्शन हो या इनफाइनाइट सीरीज हो, वह सब आप मेरे पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि ये कोई फंक्शन दे दिया, मान लो जैसे बेटा एक बाई वन बराबर एफ एक्स वन फंक्शन दे दिया और एक दे दिया बाई टू बराबर एफ एक्स टू, और आपसे ये कहा जाए कि इसका इसके सापेक्ष। ठीक है बेटा, जैसे बिल्कुल सिंपल सा इन्होंने ये कह दिया कि बाई वन का बाई टू के सापेक्ष, या डेरिवेशन भी बुक में दिया हुआ है, तो मैं सिंपल सा जैसे इन्होंने कहा बाई वन का बाई टू के सापेक्ष अवकलन, ध्यान दीजिए के सापेक्ष अवकलन। अभी तक बेटा क्या था, हम एक्स के सापेक्ष निकालते थे, यहाँ पर दो फलन दिए हुए हैं और आपसे पूछा बाई वन का बाई टू के सापेक्ष, तो आप सबसे पहले क्या करिए, पहले समीकरण का डिफरेंशियल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे बेटा एफ एक्स था, मान लो एफ डैश एक्स आना है, ठीक है बेटा, दूसरे का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी बाई टू बटे डी एक्स, ये मान लो आपका एफ डैश एक्स टू आया, कोई जो फंक्शन दिया वो आएगा। अब आप लिखोगे बाई वन का बाई टू के सापेक्ष अवकलन, के सापेक्ष अवकलन, तो इनको आप समीकरण एक और दो मान लीजिएगा। ठीक बेटा, तो आपको क्या करना है, समीकरण एक बटे दो, तो इसका मतलब बाई वन, तो देखो आपको निकालना डी बाई वन बटे डी बाई टू, ध्यान दीजिएगा एक बटे दो करें तो डी एक्स डी एक्स कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स वन बटे एफ डैश एक्स टू। तो यह प्रोसेस होता है किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना। अब आपकी बेटा जो एक्सरसाइज है वो मैं सभी हर प्रकार का जितना हल करना था डिफरेंशिएशन में वो मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आज विविध एक्सरसाइज है, मिसलेनियस जिसको कहते हैं, और उसमें एक्सरसाइज है आपकी 5G। तो 5G में बेटा जितने भी इस टाइप के प्रश्न हैं वो मैं सभी आपको करा रहा हूँ। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने कहा x पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष, देखो बेटा कितना इजी है, x पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष, तो आपने मान लिया यहाँ ऐसे लिख दो लेट by 1 is equal x पावर 5 और by 2 is equal x स्क्वायर, तो दोनों का x के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी बाई वन ओवर डी एक्स इज इक्वल 5x पावर 4, और ये आ जाएगा डी बाई टू ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा 2x। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, आपको करना है इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, क्योंकि इसका इसके सापेक्ष, जो सापेक्ष शब्द होता वही बटे होता, बाई वन का बाई टू के सापेक्ष बाई टू बटे माया x पावर 5 वाला x स्क्वायर सापेक्ष, तो ये बटे में जाएगा। तो यहाँ देखिए बेटा आप ऐसे लिखोगे d बाई 1 बटे डी एक्स, डी बाई 2 बटे डी एक्स, 5x पावर 4 बटे 2x, तो देखो डी एक्स से डी एक्स कट गया, यहाँ x का एक घात कट जाएगा, तो d बाई 1 बटे डी बाई 2 5 बटे 2 और एक पावर कट गया तो x क्यूब, तो बिल्कुल बेटा सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा और मैं दो तीन क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको और बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सिंपल, दिमाग में फीलिंग रहे कि जैसे उन्होंने पूछा राम का श्याम के सापेक्ष, तो राम का अवकलन बटे श्याम का अवकलन, यह बात ध्यान रखनी। तो इस तरह का जो मिसलेनियस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हैं, वह सब मैं आपको इस वीडियो में हल करके उपलब्ध कराऊंगा और उनको आप सीखिएगा, बोर्ड परीक्षा लाइव भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। देखिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इनका e पावर x का रूट x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो बेटा
आपको मानना है लेट बाई वन इज इक्वल इंटर पावर एक्स और बाई टू इज इक्वल अंडर रूट एक्स। यहाँ करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी बाई वन ओवर डी एक्स, ई पर पावर एक्स का ही रहता है इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे बेटा डी बाई टू ओवर डी एक्स, अंडर रूट एक्स का वन पॉइंट टू रूट एक्स, समीकरण नंबर दो हो गया। अब आप लिखोगे समीकरण नंबर एक बटे दो, एक में दो का भाग देने में, तो डी बाई वन बटे डी एक्स ओवर डी बाई टू बटे डी एक्स बराबर ई पर पावर एक्स बटे एक बटे दो अंडर रूट एक्स। तो देखो डी एक्स से डी एक्स कट गया, तो आप लिख सकते हो डी बाई वन बटे डी बाई टू। देखिए बेटा ये पद आपका कहाँ चला जाए ऊपर, तो टू रूट एक्स और ई पर पावर एक्स। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, चौथे सवाल को देखिएगा, ये भी मैंने यही लिख रखा है। यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो आपको वही प्रोसेस करना, लेट बाई वन इज इक्वल एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और बाई टू इज इक्वल मान लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए प्रोसेस वही है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई वन बटे डी एक्स। यहाँ चूंकि दो राशियां, हमको अवश्य कहीं लगाना पड़ेगा, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, ध्यान दीजिएगा, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन मन, क्लियर, फिर समझो, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन। इसमें करेंगे तो डी बाई टू बटे डी साइन इनवर्स एक्स का एक होता है अंदर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यह आपका सेकेंड हो गया, आपको नीचे लिखना इक्वेशन वन बाई टू, तो आपका आ जाएगा डी बाई वन बटे डी बाई टू। तो देखिए बेटा ये हो गया एक्स बटे अंदर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स और पूरे के बटे आ जाएगा अंदर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर का एलसीएम ले लीजिएगा, तो जब आपने एलसीएम लिया तो देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था और यही एलसीएम आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। जब इसका एलसीएम लिया आपने तो वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा। आप अगली स्टेप में इतना लिख सकते हो एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं सारे आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का अंडर रूट एक्स के सापेक्ष। तो आपको वही प्रोसेस करना, लेट बाई 1 इज इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और बाई 2 आप मान लीजिएगा, थोड़ा अलग लिखे ले रहे हैं, बाई 2 इज इक्वल अंडर रूट एक्स, ठीक। आपको करना डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर भी करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई टू ओवर डी एक्स इज इक्वल वन अपॉन टू रूट एक्स। इसको समीकरण दो पहले से ही मान लो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटा जैसे अंडर रूट लगा होता तो हम इसको या वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस, मतलब हम इसको पितलों फलन में जो आपको हल करना सिखाया गया है उस तरह हल करते। यहाँ बेटा कोई ऐसा विकल्प नहीं हम एक्स का मान साइन माने कॉस माने टेन माने या स्क्वायर में माने, ऐसा कोई सूत्र नहीं बनेगा बेटा। जैसे बेटा यहाँ पर एक सिंपल सा ये है कि जैसे हम ये जानते हैं कि वन माइनस टेन स्क्वायर बटे वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे एक तो हमारे पास क्या है डायरेक्ट मेथड है, एक हमारे पास क्या है बेटा हम उसका प्रसार इस तरह कुछ माने जो हम इसको आसानी से हल कर सकते। तो एक विकल्प हमारे पास ये भी वन माइनस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर, यह आपका कॉस में होता है। तो थोड़ी देर के लिए देखो बेटा इसका डायरेक्ट अवकलन ना करके आपको पहले मैंने क्या कहा प्रयास करिए, जैसे हमने एक्स बराबर मान के देख लिया, कुछ मानने से कुछ सरल हो जाए तो हम आसानी से कर सकते। जैसे देखो बेटा लेट हमने यहाँ पे मान लिया
अब लेट एक बार लिख चुके हैं तो देखो बाई वन आपने से यहाँ भी लिखा एक्स इजिकल टेन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। अब यहाँ रखो तो बाई वन इज अभी अवकलन नहीं कर रहे साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। चूंकि क्या होता है डायरेक्ट अवकलन करने से पहले हम सरल कर लें तो आसानी से कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स अगर आपको ध्यान हो तो ये कॉस टू थीटा का मान होता है, क्या लिख सकते हो कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का, ठीक है बेटा। पाई वन इज आप इसी पाई वन को लिख सकते हो साइन इनवर्स, हम जानते हैं साइन नब्बे माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा। देखो बेटा लिख सकते हैं साइन नब्बे माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आपका पितरों फलन समाप्त हो जाए। तो आपका बेटा क्या आ गया बाई वन जो कल आ गया साइन इनवर्स से साइन खत्म पाई बाई टू माइनस टू थीटा, तो बाई वन जो कल आ गया पाई बाई टू माइनस टू। अब थीटा यहाँ से देखो बेटा टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ से थोड़ा समझ लीजिएगा बेटा ये मैंने अपना ऊपर लिख दे रहे, तो यहाँ से हम टेन थीटा की बात करें तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक बेटा। तो देखो यहाँ पर टू टेन इनवर्स रूट एक्स बिल्कुल सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा एक्स है तो टेन थीटा अंडर रूट एक्स, तो थीटा का टेन इनवर्स रूट एक्स। अब आप कर दीजिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई वन ओवर डी एक्स इज इक्वल ये जीरो हो गया, टेन इनवर्स एक्स होता वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स हो जाएगा। अब इनटू में एक पद और रहेगा डी डी एक्स, अब क्योंकि अगर एक्स होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, या अंडर रूट एक्स का वर्ग किया इसलिए एक्स हो गया, तो ये हो गया बेटा माइनस दो बटे वन प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा अंडर रूट एक्स का वर्ग आप चाहो तो इस तरह एक बार लिख सकते हो अंडर रूट एक्स इसका वर्ग, ठीक है बेटा, जिससे कंफ्यूज ना हो। तो वन प्लस एक्स हो गया और इनटू में वन पॉइंट टू रूट एक्स हो गया, दो से दो कट गया, तो आपका आ गया माइनस एक बटा अंडर रूट एक्स इंटू वन प्लस एक्स, ये हमारा डी बाई वन बटे डी बाई टू, इसको समीकरण आप मान लीजिएगा एक, और दो मैंने पहले निकाल लिया। अब आप लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, तो डायरेक्ट लिख दो डी बाई वन बटे डी बाई टू, चूंकि ए वाला बटे ए, तो देखो बेटा डी बाई वन का मान है माइनस एक बटा एक्स और वन प्लस एक्स, और बटे में आ जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स वन प्लस एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया माइनस दो बटे वन प्लस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी प्रश्न है और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लो, जैसे मैंने कहा इसका एक तो आपके पास ऑप्शन था कि डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का करते, तो साइन इनवर्स एक्स का एक होते अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें आंसर लगाते, तो मैंने क्या किया मैंने ये देखा कि कॉस बन सकता है, तो मैंने एक्स बराबर टेन स्क्वायर मान लिया, वन माइनस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर कॉस टू थीटा हो गया, इसको साइन नब्बे माइनस थीटा लिख सकते हैं, इनवर्स फलन से ट्रिग्नोमेट्रिक फलन समाप्त। पाई बाई वन इज इक्वल पाई बाई टू माइनस टू थीटा, थीटा का मान निकाल लिया वो यहाँ रख दिया। अब मैंने इसका अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद यह जो मान आया वो डी बाई वन बटे डी एक्स आया, और ये मैंने पहले से निकाल रखा है डी बाई टू बटे डी एक्स, समीकरण एक में दो का भाग दे दिया तो हमारा माइनस दो बटे वन प्लस एक्स आया। और ये जो पितरों फलन का है, आप हमारे वीडियो में पितरों फलन का पूरा प्लेलिस्ट में कई वीडियो दिए हुए हैं, उनको आप देखिएगा, यह नहीं आता है बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में उन्होंने कहा कि सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, ठीक। तो देखिए बेटा आपको सबसे पहले यही करना है कि बाई वन मान लिया सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो थोड़ा कठिन रहेगा सवाल,
आप इसमें मान लो x बराबर cos थीटा, माना कि x बराबर cos थीटा, ठीक है बेटा। तो देखो बाई वन इज इक्वल आपका आएगा sec इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक बेटा, मैंने x बराबर क्या माना cos थीटा, तो इसको लिख सकते हो sec इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका cos 2 थीटा होता है। तो यह हो गया sec इनवर्स, और cos का उल्टा sec होता है, तो sec 2 थीटा हो गया। तो फाइनली y इज इक्वल केवल आपका y1 इज इक्वल जिस sec इनवर्स से sec खत्म हो जाएगा, तो y1 बराबर आपका क्या आ गया 2 थीटा। y1 मैंने क्या कर लिया 2 थीटा, ध्यान दीजिएगा y1 बराबर 2 थीटा, तो y1 आपका आ गया 2 थीटा का मान यहां से निकाल लीजिए cos इनवर्स x 2 cos इनवर्स x, ठीक बेटा। आप क्या लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy1 / dx 2 cos इनवर्स x का माइनस i 1 माइनस x स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है बेटा, फिर समझिएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 था, मैंने x बराबर cos थीटा मान लिया, तो 1 / 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, और ये होता cos 2 थीटा, cos का उल्टा sec, तो sec इनवर्स sec 2 थीटा, तो हमारा y1 2 थीटा रह गया, थीटा का मान यहां से रखा cos इनवर्स x, तो y1 = 2 cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन किया तो dy1 / dx 2 माइनस का 1 / अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब दूसरा मेरा बिट y2 जो था y2 1 माइनस x स्क्वायर था, ठीक बेटा, तो इसका भी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये हो जाएगा d by 2 over dx, हम जानते हैं अंडर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x होता है, अब इनटू 1 माइनस x स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x, 1 का 0 x स्क्वायर का 2, पीछे आप बहुत सारे क्वेश्चन सीख चुके हैं, तो ये आ जाएगा माइनस x बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर d by 2 बटे dx, ठीक है बेटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, मैंने d by 1 निकाल लिया, मैंने d by 2 निकाल लिया, अब हमको बेटा क्या करना, दोनों का भाग देना, भाग देकर हमारा मान आएगा, ध्यान दीजिएगा d by 2 बट अब आप लिख दो समीकरण में एक ये लिखा है, यहाँ पर लिखिएगा इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो डायरेक्ट हम लिखे थे d by 1 बटे d, ठीक, ये आपका माइनस 2 बटे 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक, और ये है माइनस का x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, तो देखो ये आपका कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो 2 बटे x हमारा आंसर आया। बेटा इसको कायदे से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना था, पहले को मैंने d by 1 निकाल लिया, दूसरे से d by 2 निकाल लिया, और आसानी से डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन होने के बाद हमारा जो आंसर आया वह आया कितना 2 बटे x, ठीक है बेटा। अब इन्होंने इसी क्वेश्चन में एक बात और कही है कि x बराबर 1 बटा 2 पर मान लगाइए, ध्यान दीजिएगा, साथ में उन्होंने ये भी कहा है x बराबर 1 बटा 2 पर, तो आप लिखिएगा x बराबर 1 बटा 2 पर, ध्यान दीजिएगा x बराबर 1 बटा 2 पर, तो ये जो हमारा आया 2 बटे x, तो पर मान, तो आप लिखोगे 2 बटे x जगह 1 बटा 2, y बटे में x है, तो आपका मान कितना हो गया 4, तो हमारा जो x बराबर 1 बटा 2 पर मान पूछा है वो हमारा मान कितना हो गया 4। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी समझिएगा, पहला अवकलन बटे दूसरा अवकलन, तो हमारा 2 बटे x आया, x बराबर 1 बटे 2 पे पूछा, 2 बटे 1 बटा 2 यानी कि 4, यह x बराबर 1 बटा 2 पर मान हो गया, इसको नोट करिएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पर, यहां पर दो अवयव दिए, इन्होंने कहा है कि tan इनवर्स 2x / 1 माइनस x स्क्वायर का sin इनवर्स 2x / 1 प्लस x स्क्वायर के सापेक्ष, के सापेक्ष, तो सबसे पहले बेटा आप वही लिखेंगे कि y1 =
tan inverse 2x टेबल माइनस x स्क्वायर ठीक, और by 2 इज इक्वल sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। दोनों बेटा tan का पद बनाना, तो आप लिख लीजिएगा माना कि x बराबर tan थीटा ठीक, दोनों रख दीजिएगा x बराबर क्या मान लिया tan थीटा। तो देखो by 1 आपका आया tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ठीक बेटा। यहाँ पर by 2 आपका आया sin इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बेटा by 1 आपका आ गया tan इनवर्स, ये मान होता tan 2 थीटा का, तो by 1 आपका कितना आ गया 2 थीटा, जो ये समाप्त हो गया कितना फलाना त्रिकोणमितीय फलाना। यहाँ देखिए by 2 की बात करें तो साइन, जब बेटा यहाँ प्लस होता है तो साइन 2 थीटा का मान होता है साइन 2 थीटा, तो बाई 2 बराबर भी 2 थीटा आ गया। तो जाहिर सी बात बेटा जो डी बाई 1 बटे डी बाई 2 आएगा वो 1 आएगा, दोनों बराबर आ गए। अब देखो लिख लीजिएगा बाई 1 बराबर 2 थीटा, तो थीटा का मान यहाँ से निकलेगा टेन इनवर्स एक्स, सिंपल है, और बाई 2 बराबर भी 2 थीटा है भी 2 टेन इनवर्स एक्स। अब आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन करें, तो d by 1 बटे dx बराबर 2 1 plus x square tan inverse x होता है। सेम प्रोसेस यहां d by 2 बटे dx 2 1 upon 1 plus x square, यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। आप लिखना है इक्वेशन 1 by 2 1 में 2 का भाग देने का, तो d by 1 बटे d by 2, देखो बेटा दोनों बराबर माना है, हमारा क्या आ गया 1, देखो ये बटे ये तो हमारा क्या आ गया 1। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल प्रश्न है और वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैंने कहा अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपका सार्डिक में दिया हुआ है, और सार्डिक का हो सकता है आप अवकलन न जानते हो, तो अब हम अगले प्रश्न को सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में ये कहा गया है कि यदि बाई जुकल साड़िक में दिया हुआ है एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, और यहां दिया हुआ एल एम और एन, यहां दिया हुआ ए बी सी, तो इनका तो दर्शाइए, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो। अब देखो हमको सिद्ध करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इज एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स ठीक, एल एम और एन यहां पर ए बी और सी ठीक है बेटा। इसको नोट करिएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसको आप आसानी से कर भी सकते हैं ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा जब साड़िक की बात आती है तो आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो वाई बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स का पद, यहाँ दिया वो एक्स का पद है या नहीं, तो आपको क्या लिखना होता है जब हम इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिगार्डिंग करते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका निकलेगा यह जो पंक्ति है इसका अवकलन। जैसे देखो बेटा ये हमने मान लिया आपका आर वन ठीक है बेटा, ये आर टू है और ये आर थ्री है, तो हम लिखेंगे कि डी ओवर डी एक्स आर वन ठीक, और बाकी आप आर टू और आर थ्री ऐसे ही लिख दो, ये पहला अवकलन प्लस आर वन को ऐसा ही लिख दो डी ओवर डी एक्स आर टू और आर थ्री को ऐसा ही लिख दो ठीक, प्लस आर वन लिख दिया आर टू लिख दिया डी ओवर डी एक्स आर थ्री, यह प्रोसेस होता है। यानी कि पहली पंक्ति का अवकलन उन दोनों को ऐसे ही लिख दो धन,
दूसरी पंक्ति का अवकलन इन दोनों को ऐसा ही लिख दो, धन तीसरी पंक्ति का अवकलन और पहली दूसरी को ऐसा ही लिख दो। तो यह प्रोसेस होता है बेटा डिफ्रेंसिएशन करने का, और बाद में हम सबको जोड़ देंगे। जोड़ने पे आपको मालूम है यह साड़ी तो है नहीं, जो मान बढ़ेगा वही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आप इसको लिखिएगा डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर लिखोगे डी डी एक्स वाई। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का अवकलन करेंगे, तो देखो बेटा एफ एक्स का एफ डैस एक्स, जी डैस एक्स और एच डैस एक्स, ठीक है बेटा। इन दोनों का ऐसा है तो एल एम एन ए बी सी प्लस। अब बेटा पहले को ऐसा ही लिखा रहे तो एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, ठीक बेटा। अब दूसरे का अवकलन करिएगा तो ये हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, और ये मान हो गया ए बी सी, ठीक प्लस। अब देखो पहली का अवकलन हो गया, दूसरे बार में दूसरी का अवकलन हो गया, अब के बार में तीसरी का अवकलन, तो तीसरी पंक्ति ये है। तो देखो बेटा एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, ठीक ये आप अलग से नोट कर लेना। और यहां पर ए बी सी, अब सॉरी एल एम एन, यहाँ पे आपका क्या एल एम और एन। अब मैंने ए बी सी करके ए बी एक्स किया, ए बी जीरो। अब अगली स्टेप में हमको देखना होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स आपका क्या आया, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम और एन, यहाँ पर आपका क्या ए बी सी। ध्यान दीजिएगा ये वाला फंक्शन जब आप नियम जानते हो साढ़े के एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो तो जीरो। तो देखो बेटा ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गए, इनको लिखने का मतलब नहीं, ये आप हो गया ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, जबकि साढ़े में अगर कोई आपसे डिफ्रेंसिएशन कराया गया तो पहली पंक्ति का अवकलन दूसरी तीसरी वैसी लिख दो धन, दूसरी का अवकलन पहली तीसरी वैसी लिख दो धन, तीसरी का अवकलन और पहली दूसरी वैसी लिख दो, बाद में जोड़े देखो बेटा ये जीरो हो गया, क्योंकि एल एम एन और ए बी सी ये एक्स के अवयव नहीं है, ये एक्स का अवयव था, मैंने टेस्ट लगा दिया। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए बेटा इस वीडियो में आपने आज अवकलन का जो मिसलेनियस टॉपिक था वो भी समाप्त कर लिया है। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाती है, आप उस पर जुड़िए, यदि कोई समस्या होती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और अब हम अगली वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में अवकलन के अनुप्रयोग को स्टार्ट करेंगे, जो कि छोटे छोटे टॉपिक हैं अनुप्रयोग में। सबसे पहले आपका टॉपिक है कि कोई भी स्थिति परिवर्तन, जैसे उन्होंने कहा कि राशियों की परिवर्तन की दर पूछी है, यह दो मतलब बहुत छोटे क्वेश्चन हैं और इसमें से प्रश्न मिल जाएगा। फिर उसके बाद वर्धमान ह्रासमान है, उच्चिष्ट निम्निष्ठ है, यह सारे टॉपिक अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।